अभी कोई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ सर। सर अभी कोई धरना प्रदर्शन नेताओं का हो नहीं किसी का हो तो वहाँ पे पानी व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, फायरमैन गाड़ी व्यवस्था करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ से हम 7 दिन से हम लोग मर रहे हैं, ना तो पानी की व्यवस्था, नहीं कहीं पब्लिक टॉयलेट भी था वो भी बंद था, लेकिन आज ओपन हो गया है। मेट्रो स्टेशन तो आज ओपन हो गया है, लेकिन अभी कुछ लोग आए थे कह रहे थे कि आपकी मांगे मान ली गई, लेकिन वो 1% नहीं मानी गई। हम लोग की मांगे 17 से 22 जो था टीयर 2 का, उसके लिए CBI जाँच के कहे हैं, लेकिन हम लोगों का मांग है कि SSC के जितना एग्जाम हुआ है, MTS, CHSL, CPO, CGL, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जामों का CBI जाँच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर गौरव नाम है मेरा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ जी, क्या मांग है? सर मांग हमारी ये है सरकार से कि 2013 के बाद SSC ने जितने भी ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं उस सब की CBI जाँच होनी चाहिए, सबको पकड़ा जाना चाहिए जितने भी हुए हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों बच्चों का तो कहीं नाम ही नहीं है। जो पैसे दे के लोग लग रहे हैं वो एक भी दिन पढ़ते नहीं, यहाँ 6-6 महीने 1-1 साल से मेहनत कर रहे हैं। आरोप कैसे लगा रहे हैं कि वो पैसे दे के लगते हैं? क्या आपके पास ऐसा वो प्रूफ है, पक्का प्रूफ? सर क्वेश्चन पेपर आउट हो रहे हैं सारे, CGL का ले लो, दिल्ली पुलिस का ले लो और MTS का, सारे प्रूफ हमारे पास हैं सर। सर कट ऑफ पहले वैकेंसी इतनी कम थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी हाई गई है और इसका कोई जवाब नहीं है। पैसे इतनी बड़ी मात्रा में चले हैं कि क्या नाम आपका? अंकुश गुप्ता नाम है मेरा, मैं जयपुर से रहने वाले। हाँ जी बिल्कुल। क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप यहाँ? जी हमको CBI जांच चाहिए इनके खिलाफ, SSC के खिलाफ। जांच किसके कराना चाहते हो? CBI जांच, जो एग्जाम लग रहे हैं मेंस के, सारे पेपर लीक हुए हैं मेंस तक के, बाद में MTS हो चाहे CPO हो, हर चाहे CHSL हो, सारे पेपर पूरा SSC है ना। मेरे को ये नहीं पता कौन भ्रष्ट है, लेकिन कोई ना कोई इसमें भ्रष्ट है और सारे के सारे पेपर आउट होते हैं, उसकी हम CBI जांच चाहिए हम लोगों को। जो लोग चौकीदार बनने लायक भी नहीं है उन लोगों को इंस्पेक्टर तक की पोस्ट मिल रही है, जो लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट होने लायक है पढ़ाई करके भी, उनको चपरासी की भी पोस्ट नहीं मिल रही है और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि हम लोग परेशान हो गए इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से।